बाहर सहित देश भर के इन राज्यों में झमाझम बारिश। मानसूनी ट्रफ रेखा के उत्तर की ओर बढ़ने के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी, जिसके चलते मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अगस्त के पहले 10 दिनों में पूर्वी भारत में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। राजस्थान राज्य में भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। 1 अगस्त को एक्टिव होगा नया सिस्टम। 4 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में आज 31 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। 1 अगस्त से फिर एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश होगी। 2 अगस्त को भी भरतपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी से भी अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। इन इलाकों में बारिश के आसार। हरियाणा राज्य में आज चंडीगढ़, अम्बाला, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, हिसार में बादलों की आवाजाही के साथ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भी मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी। 4 अगस्त तक वर्षा का दौर। 38 जिलों में बारिश और बिजली का भी अलर्ट। यूपी के ऊपर से गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन के चलते अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आज 31 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर गरज और चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। बांदा, चंदौली, चित्रकूट, कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रयागराज व आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। मंगलवार को भी पश्चिमी व पूर्वी यूपी में ज्यादातर स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में बारिश जारी रहेगी। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के भी कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य में आज नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, मुरैना, भिंडी, ग्वाली, दतिया, गुना, भोपाल, विदिशा, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, बालाघाट, मंडला, डिडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है। बिहार राज्य के भी इन जिलों में बारिश के आसार हैं। राज्य में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, नवादा, जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण, गोपालगंज जिले में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लक्षद्वीप, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।